इस वीडियो में हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट बेस। ठीक है, और एल्डिहाइड वो होनी चाहिए जिन पे कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, वो मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन देते थे। कैनिजारो वो देंगे जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपली ये एक मॉलिक्यूल हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पे यहाँ पर दो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, अटैच है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट बेस है, यानी कि जो ओ एच नेगेटिव आयन है वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ले रखा है हमने। अब ओ पे नेगेटिव होगा और सी पे क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव अटैक करेगा। अब जैसे ही अटैक करेगा, जो ये वीक बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। ठीक है, क्योंकि देखो पांचवा, चार बॉन्ड बने हुए कार्बन के, पहले से पांचवा बनने जा रहा है, पांच तो हो नहीं सकते, तो एक टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ओ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आ गया ओ एच और एक हाइड्रोजन ये रहा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से माइग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो जनरली होता क्या है, जो वीक बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ये टूट जाता था ऑल टाइम। लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि जो ये ओ एच नेगेटिव आयन है, ये कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे कहा कि बेस, यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट बेस लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो ओ एच नेगेटिव आयन है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, तो ये डिटैच नहीं होगा। अगर ये डिटैच हो भी गया तो वापस अटैक कर देगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे। तो इस बार क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ओके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे वापस माइग्रेट करेंगे, हमारा एक हाइड्राइड निकल जाएगा इससे बाहर, ओ एच नेगेटिव की बजाय कौन निकल जाएगा, हाइड्राइड रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे हाइड्राइड रिमूव होगा, वैसे जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा यहाँ पर एल्डिहाइड का, यहाँ पर ये हो गया ऐसा, इस पे क्या होगा, ओ पे नेगेटिव और सी पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हाइड्राइड है वो अटैक कर देगा, हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो सी पॉजिटिव पर अटैक। अब जैसे ही अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये वीक होता है जैसे कि हमें पता ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या था, देखो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा क्या था, ओ एच, क्योंकि एच तो चला गया, तो यहाँ पर ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, ये सी था, ये हो गया ओ नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया, देखो एक एच ये था, एक एच ये था, और एक और हाइड्राइड ने अटैक किया, दूसरा एच ये था। और यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगला यहाँ पर जो ये ओ नेगेटिव है, ये सॉल्वेंट से जैसे कि वाटर से क्या करेगा, वाटर से नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा ओ नेगेटिव, क्योंकि देखो इसके पास क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, ये एसिडिक है, एसिडिक एसिड की हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, ये एसिडिक एसिड है हमारा, तो इसकी हाइड्रोजन क्या होगी, एसिडिक, तो ये ओ नेगेटिव क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमारा फाइनली बन जाएगा एच सी ओ ओ नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है सी एस थ्री, और ओ पे आ गया एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया ओ एच। तो ये बन गया एसिटेट आयन, और दूसरा बन गया हमारा ये एल्कोहल। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या बना था, प्रोडक्ट बना था हमारा। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन।